तो मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ क्योंकि आज हमारे कॉलेज में होने वाला एक फेस्ट जिसका नाम है आरंभ। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ चुकी हूँ तैयार सुबह सुबह एंड इट्स लाइक 7 o'clock और अभी हमारा कंपटीशन शुरू होने वाला है। सुबह सुबह डे इवेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी होगा रंगोली कंपटीशन एंड पॉट पेंटिंग एंड पेंटिंग। ये कपल आ चुकी है। ये मैं शॉर्टकट देने की कोशिश कर रही हूँ। और ये आयुषी आ गई है और ये फंस गई है। आयुषी हार मान के घर जा रही है अपने वापस और ये कोई पॉट पेंटिंग नहीं होने वाली है। So it's 8 October और आज होगा फेस्ट और सुबह सुबह हो रहे हैं डे इवेंट्स जो ऑडी के बाहर होंगे। देखो मैं अपने बैच की जर्सी पहन के आ चुकी हूँ। पीछे क्या लिखा है? GMC हल्द्वानी। अभी चल रहे हैं यहाँ पे ढूंढने। ये हमारी दोस्त परिधि ने क्या बनाया है? बैक टू स्कूल। तुम क्या बना रहे हो नवा? दिखाओ। अच्छी डूडलिंग है। तो हम लोग रेडी हैं पॉट पेंटिंग के लिए। पॉट पेंटिंग में हमारे लिए थीम थी जो थी इंडियन फेस्टिवल्स और इसे हमें पेयर में बनाना था। तो मेरी पार्टनर थी शिवांगी, हम दोनों ने मिलके अपने पॉट में जन्माष्टमी सेलिब्रेशन को पोर्ट्रे किया था। इसके बाद था पेंटिंग कंपटीशन जिसका टॉपिक था एनर्जी कंजर्वेशन और उसमें मैंने ये बनाया था। सारे बैचेस के स्टूडेंट्स, मेरे खुद के बैचमेट्स, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, हम सब लोग ऐसे साथ में बैठ के पेंट कर रहे थे। साइड में म्यूजिक चल रहा था। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल वाइब। ये वाला पॉट हमने बनाया था। डे इवेंट्स ओवर हो चुके हैं, अब हम देखेंगे शाम की कल्चरल नाइट। तो कल्चरल इवेंट अब शुरू होने वाला है और चलो जल्दी से तैयार हो जाती हूँ मैं, उसके बाद चलेंगे अपने दोस्तों की परफॉर्मेंस देखने। तो हमारा जो कॉलेज का फेस्ट है ना, उसमें ड्रेस कोड था एथनिक वेयर, तो मैं उस हिसाब से तैयार हो चुकी हूँ और एक्चुअली टाइम भी हो चुका है। तो चला जाए फिर, लेट्स गो। कल्चरल इवेंट का नाम था मीरांत, यानी कि डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इसकी शुरुआत सरस्वती वंदना से, फिर शुरू हुआ नाटी डांस। और इसके बाद हुई सोलो सिंगिंग। सोरे मेघा मेघा पे कितनी प्यारी सी परफॉर्मेंस हुई। और ये कश्मीरी डांस। ये था हरियाणवी डांस। Thank you.
कहीं